हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंडीगढ़ में भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह परेड ग्राउंड में कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें जबरन धरना स्थल से समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस उन्हें सेक्टर 17 थाने में लेकर गई है। डांडा ने संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंडीगढ़ डीजीपी को लेटर लिखकर भूख हड़ताल की परमिशन मांगी थी, जिसके बाद वह परेड ग्राउंड के पास सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इस मामले में अनुराग डांडा का कहना है कि जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने अभी तक आरोपी मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि उनके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उन्होंने मांग की है कि चंडीगढ़ पुलिस को संदीप सिंह के खिलाफ जल्द कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इसके साथ ही डांडा ने आरोप लगाए कि चंडीगढ़ पुलिस जानबूझकर मंत्री संदीप सिंह को बचाने में लगी हुई है। इस मौके पर डांडा ने संदीप सिंह को गिरफ्तारी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री संदीप सिंह को सीएम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। महिला सुरक्षा के मामले में हरियाणा पूरे देश में सबसे नीचे पायदान पर पहुंच चुका है। इसके बाद भी सीएम मनोहर लाल महिला सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। चार्जशीट के बाद भी संदीप सिंह को मंत्री बनाकर रखना भाजपा सरकार की बेशर्मी है। ये हमारी भूख हड़ताल नहीं तुड़वा सकते। हम थाने के अंदर भूख हड़ताल करेंगे। जब हमने कहा कि आज एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल हम इस मुद्दे पे कर रहे हैं कि क्यों चंडीगढ़ पुलिस ने एक धारा विड्रॉ की, दुष्कर्म करने के प्रयास की धारा को विड्रॉ क्यों किया संदीप सिंह के खिलाफ, चार्जशीट हल्की क्यों बनाई संदीप सिंह के खिलाफ, दूसरी बात की जब संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है उसके बाद वो एक मिनट के लिए भी मंत्री पद पर कैसे बैठे हुए हैं, इन सारी चीजों के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ महिला सुरक्षा के मुद्दे को बुलंद करते हुए आज हम एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं। और चाहे बाहर से हमें उठा लाए हो, चाहे धरना स्थल से हमें उठा लाए हो, लेकिन सेक्टर 17 के थाने के अंदर ये भूख हड़ताल शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जो निश्चित समय हमने दिया था। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि आगे इस मुद्दे पर हमें और ज्यादा मजबूत संघर्ष करना पड़ेगा। हमें मजबूती से सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना ये इसी तरीके से पूरी जांच को रफा दफा करके और संदीप सिंह जैसे व्यक्ति को जिसके ऊपर जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ का, उसके साथ गलत हरकत करने का आरोप है, उसको इसी तरीके से बचाते रहेंगे, उसको मंत्री बना के हमारे सिर पर बिठाए रहेंगे, उसको मंत्री पद से हर हाल में खट्टर सरकार को तुरंत बर्खास्त करना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।